पाकिस्तान के कई इलाके इन दिनों अशांत बने हुए हैं। पाकिस्तानी सरकार के जुल्मों के खिलाफ पीओके और बलूचिस्तान के कई इलाकों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में भी सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी भी की, जिस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी है। मांगी आजादी, मिली लाठियां, मांगी नौकरी, मिली पुलिस की पिटाई। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की, जहां इन दिनों पाकिस्तान सरकार के जुल्मों के खिलाफ स्थानीय युवकों का विरोध जोरों पर है। बुधवार को भी जम्मू कश्मीर स्टूडेंट फेडरेशन के सैकड़ों बेरोजगार युवक सड़क पर उतर आए। नौकरियां देने में भेदभाव का आरोप लगाते हुए इन्होंने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इस दौरान इन लोगों ने अलग कश्मीर की मांग भी कर डाली। फिर क्या था, मौके पर पहुंची पुलिस इन लोगों पर तूफान की तरह बरसी। पुलिस की बर्बरता की इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है, इन पर लाठियां बरसा रही है। ये तस्वीरें पाकिस्तान सरकार के उस झूठ से भी पर्दा उठाती हैं, जिसमें पाकिस्तान सब कुछ सही होने का दावा करता आया है। वैसे ये तस्वीरें पीओके की ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी आजादी की मांग जोरों पर है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग आए दिन प्रदर्शन करते आए हैं। पिछले दिनों भी जब बलूचिस्तान में लोग सड़क पर उतरे थे, उस वक्त भी सेना और पुलिस ने इसी तरह उन पर लाठियां बरसाई थी, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई थी। पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पीओके में उसके खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी हैं, और ऐसे में भारतीय कश्मीर के अलगाववादियों को भी सबक लेने की जरूरत है। देखते रहिए टीवी लाइव।